In return of my effort to guide you as much as I can, I will be very grateful if you like my video and subscribe my channel. Hello friends, welcome to Suman Suggestion. मैं इस वीडियो में वूलन क्लोथ धोना दिखाऊंगी और साथ ही साथ पूरा प्रोसेस कैसे वन बाय वन धुलता है वीडियो की हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन के बारे में बहुत सारे डिफरेंट क्वेरीज आ रहे थे और उसे अलग अलग वीडियो करना पॉसिबल नहीं था। तो आई होप ये वीडियो देखकर आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सो माई फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं क्लोज डाल दी हूँ और इसका फर्स्ट प्रोसेस है कि अभी ये डिटर्जेंट लेकर पानी दे रहा है और अभी कुछ कपड़े देखिए भीग गए हैं और कुछ कपड़े सूखे भी हैं। दिख रहा होगा आपको, समझ में भी आ रहा होगा कि यहाँ पर अभी ये इसका फर्स्ट काम हो रहा है, अच्छी तरह से पानी और डिटर्जेंट देना। जब तक सारे कपड़े डिटर्जेंट पानी में भीग नहीं जाते हैं, यानी डूब नहीं जाते हैं, तब तक ये प्रोसेस कुछ मिनट तक चलता रहेगा। जब सारे कपड़े डिटर्जेंट वाटर में अच्छी तरह से गलबल होकर भीग जाएगा, तब ये अपना धोने का प्रोसेस शुरू करेगा और इस प्रोसेस में ये रुक रुक कर थोड़ा सा स्पिन करता है। चलिए अब मशीन में वूलन क्लोथ कैसे डालते हैं देख लेते हैं। मैं ये सारे अपने कपड़े को ऐसे खोल कर डालूंगी और फैलाकर, और जो जिप वाले जैकेट वगैरह है उसको आप बंद करके उलट दीजिएगा, यानी जिप ऐसा ना हो कि ड्रम में लगे तो जब वो स्पिन करता है या धोते वक्त अगर फंस जाए तो इट माइट बी डेंजरस। तो आप इसे एकदम उलट कर करिएगा और ऐसे कार्डिगन वगैरह के जो बटन होते हैं उसको भी बंद करके फिर उलट दीजिएगा, नहीं तो कहीं लूज वगैरह रहे, टूट गए ना, हम फिल्टर में चला जाएगा एंड देन इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम। इस टब में कैजुअल स्वेटर वगैरह ही वूलन क्लोथ धो रही हूँ, इसलिए हैंड वुवेन कैजुअल वूलन क्लोथ आज मैं धो रही हूँ। इसमें आप देख रहे होंगे 6-7 ही दे रही हूँ, लेकिन फिर भी काफी स्पेस बच रहा है। इसका कारण है कि वूलन क्लोथ जब भीग जाते हैं ना तो ये काफी हेवी हो जाते हैं, जबकि हाउ मेनी क्लोथ कैन बी वॉश्ड इन वॉशिंग मशीन वाले वीडियो में मैं तो बताई हूँ कि आप पूरे ड्रम भर के कपड़े दीजिए और इसमें क्यों स्पेस खाली, बिकॉज वेट इज द मेन फैक्टर नॉट द क्वांटिटी। एज यू नो वेट वूलन क्लोथ इज मच हेवियर देन वेट कॉटन क्लोथ। इसे आप डिटर्जेंट से भी धो सकती हैं, लिक्विड हो या पाउडर, बट मैं जनरली इजी से ही वूलन क्लोथ धोना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं इजी दे रही हूँ। इसमें 2 फुल ऑफ कैप इजी डाल दूंगी, क्योंकि इसमें कुछ मेरे बहुत कम कपड़े गंदे हैं, लेकिन अगर सभी कपड़े बहुत ज्यादा गंदे होते देन दैट अमाउंट वोंट बी सफिशियंट। इसलिए डिटर्जेंट का राइट अमाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज कपड़े तो सही धुलेंगे ही नहीं, प्लस इसका कंपनसेट करने के लिए मशीन को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और एज रिजल्ट इट अफेक्ट्स द लॉन्जिविटी ऑफ द मशीन। मैं मशीन स्टार्ट कर दी, अब देख रही हूँ इधर में वूलन क्लोथ धोने के लिए 2 ऑप्शन है, एक डेलिकेट्स और एक वूल। तो डेलिकेट जैसे मैंने बताया कि मेरे ये कैजुअल वूलन क्लोथ है, तो मैं वूल में ही धो लूंगी। अगर मैं बाहर के बहुत ही महंगी वाली और सोफिस्टिकेटेड कपड़े जो बहुत ही केयरफुली धोया जाता है उसको देती तो डेलिकेट पे धोती। वूल का जब आप सेट करेंगी नॉबना तो ये देखिए अपने आप ये इसका जो टेम्परेचर वाटर टेम्परेचर 40 दिखाएगा और स्पिन 800 दिखाएगा। सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग और आप स्टार्ट कर दीजिए। इट विल टेक 53 मिनट्स टू कंप्लीट द प्रोसेस। जैसा कि मैं आपको फर्स्ट हाफ में दिखा चुकी हूँ कि कपड़े धुलना शुरू हो गया था, तो यहाँ पर धुलना कम्प्लीट हो गया है और जितने गंदे पानी है सब निकल जा रहे हैं। जैसे ही गंदा पानी सारा निकल जाएगा आप देखिएगा कि साफ पानी फिर ऊपर से खंगारने का काम स्टार्ट करेगा, धुलने का। अब क्लीन वाटर इसमें आएगा और पूरे जितना एक लेवल है उतना तक पानी भर के इसको अच्छी तरह से खंगारेगा। मेरे एक व्यूवर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं साउंड के साथ वीडियो करूं, तो मैं आपको ये साउंड भी सुना रही हूँ। ये देखिए क्लीन वाटर आ रहा है, नीचे जमा हो रहा है और ये ऑलमोस्ट 19 मिनट्स के स्टेज पे होता है। क्लीन वाटर इसमें रुक रुक कर आता है, पानी ये बढ़ते जाएगा, ऑलमोस्ट हाफ ड्रम तक आ जाता है पानी, एकदम साफ पानी में
ये कपड़े खंगार रहे हैं, धुल रहे हैं। इस तरह जब कपड़े धुल जाएंगे एकदम अच्छी तरह से, तो फिर ये पानी भी पूरी अच्छी तरह से निकल जाते हैं। ड्रम में एकदम बिना पानी के सूखा रहता है। और ये लास्ट स्टेज अब स्पिनिंग में आ गया, जिसमें कि अच्छी तरह से कपड़े सूखते मीन्स इसमें से पूरे एकदम वाटर निकल जाते हैं। वूलन कपड़े में ज्यादा स्पिनिंग नहीं होता है, यही इसका सबसे टॉप मोस्ट स्पिनिंग स्पीड है। ये देखिए लास्ट स्टेज आ गया, नाउ 1 मिनट इज लेफ्ट। ओ या, आई एम रिक्वेस्टिंग टू माई व्यूअर्स, बिफोर आस्किंग एनी क्वेश्चन प्लीज वॉच माई दिस वीडियो कम्प्लीटली, अदरवाइज इसी पे क्वेश्चन पूछने लगते हैं। नाउ इट्स डन। अब मैं कपड़े निकाल कर दिखा रही हूं कि कैसा ये धुला है। देखिए इतना साफ धुल गया है, प्लस आपको मैं वॉटर दिखा रही हूं, इतना पानी निचोड़ कर कोई कपड़ा निचोड़ ही नहीं सकता है, पहलवान भी नहीं निचोड़ पाएगा, और अगर वो निचोड़ता भी है तो फिर आपके कपड़े बचेंगे नहीं पहनने के लिए। तो ये इस तरह के फर वाले भी में जो दिखाई थी स्वेटर, ये देखिए कुछ भी नहीं इसका इफेक्ट हुआ है, ऐसे फर है, और इतना सूखा सूखा अच्छा से ये धुल कर सूख गया है कि अब बस इसे आप जरा सा सनलाइट में 2 घंटे दे देंगे ना तो एकदम पूरा पहनने लायक हो जाएगा। ये देखिए मैं व्हाइट वाला गंजी दिखा रही हूं आपको कि कितना साफ धुला है, नो कंप्लेन एट ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।